आपको एक जलंधर की एक महिला खिलाड़ी की कहानी दिखाते हैं जिसने विकलांग होने के बावजूद वेटलिफ्टिंग में 75 मेडल हासिल किए हैं, वो भी जनरल कैटेगरी में। लेकिन अफसोस कि आज वो महिला खिलाड़ी गुमनामी के अंधेरे में जी रही है, उसकी उपलब्धियों पर ताली बजाने वाले आज उसे भूलते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज है कावत रमनदीप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। रमनदीप एक ऐसी महिला है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। रमनदीप को गोल्ड मेडल से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। विकलांग होते हुए भी वेट लिफ्टिंग में जनरल कैटेगरी में खेलकर यह साबित करना कि जब इंसान में हौसला कूट कूट कर भरा हो तो शरीर की कमजोरी कोई मायने नहीं रखती। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में रमनदीप को न तो कोई कोच मिला और न ही उसे कोई मदद। रमनदीप ने कामयाबी अपने बलबूते पर ही हासिल की है। वेट लिफ्टिंग में रमनदीप अब तक 75 मेडल जीत चुकी हैं। इतना ही नहीं, रमनदीप को 5 बार स्ट्रांग वुमेन के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। समय के साथ सब कुछ बदला, लेकिन रमनदीप की किस्मत नहीं बदली। आज हालात ये हैं कि रमनदीप को घर चलाने के लिए लोगों के कपड़े सिलने पड़ रहे हैं। मैं सर नेशनल लेवल पे 2 गोल्ड ले चुकी हैं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हाँ, और मेरे को स्ट्रॉन्ग वुमेन दी ट्रॉफियां 5 ने, 75 मेरे को टोटल मेडल्स ने, जिन्हां विचों गोल्ड मेडल ही ज्यादातर ने। सिल्वर मेडल तो कभी मेरा रब बोले कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो मैं अज तक सिल्वर आन नहीं दिता। हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही रही हूं, गोल्ड मेडल ही जीते हैं, और हैंडीकैप हो के मैं जनरल बच्चे नाल फाइट लेनी हूं। जालंधर के भोगपुर के एक गांव में रहने वाली रमनदीप के पति मजदूरी करते हैं, ससुर खेत में काम करते हैं, जबकि एक 8 महीने की बच्ची भी है। आज रमनदीप के पास कुछ है तो ये फाइल जिसमें उनका बायोडाटा है। इसके अलावा ये मेडल हैं जो एहसास करवाते हैं कि वो एक बेहतरीन वेटलिफ्टर है। अपने घर में रमनदीप जहां लोगों के कपड़े सिलती है तो दूसरी तरफ एक कमरे में जिम भी है जहां वो रोजाना प्रैक्टिस करती है। फैमिली जी हुण कह सकदे हैं जिस तरह के मेरे घर के हालात ने, स्टिचिंग करके मैं घर का गुजारा चलता। साडा पापा ने वो खेती करते हैं, वो भी किसी की ली हुई है खेती साड़ी, यानी कि इन्ने मतलब कि मैं फाइनैंशियली मैं इन्नी सपोर्ट नहीं हैगी, बट फिर भी मेरा मेहनत वाल मैं ध्यान दे रही हूँ, मैडल लेके आ रही हूँ, पंजाब का नाम भी अगे लेके आ रही हूँ, बट मेरी किसी ने अब तक मदद नहीं की। कामयाबी का सपना देखने वाली रमनदीप आज गुमनामी के अंधेरे में खो गई है। अधिकारियों तक को नहीं पता कि उनके इलाके में वेट लिफ्टिंग में 75 मेडल जीतने वाली एक महिला भी रहती है। ये मेरे नोट्स में अभी आया, आपके द्वारा नोट्स में आया है कि रमनदीप जो है पिंड कोड़ा वाली, उसमें उन्होंने 13 गोल्ड मेडल जीते और पोलिया ग्रस्त है और इतना गरीब परिवार से है और उसने इतनी मेहनत के बाद जो ये अपना कद हासिल किया, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि सीनियर अफसर से बात करके उनके बारे जो संभव हो सके वो मदद करें। रमनदीप जैसे भारत में न जाने कितने खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का नाम रोशन करने के बाद भी सरकारों की अनदेखी के चलते गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, उनकी आर्थिक मदद करे, ताकि इन्हें भी लगे कि इन्होंने देश के लिए कुछ किया है। राजीव वाधवा, जी मीडिया, जालंधर। तो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की चमक वीक सिस्टम के आगे कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, फीकी पड़ती नजर आ रही है।